नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और उनके पति श्रीराम नेने से मुलाकात करी। दरअसल आपको बता देता हूं कि हाल ही में कर्नाटक चुनावों में हालांकि उनके सीट काफ़ी अच्छी आई थी, परंतु रिजल्ट तो यही रहा कि भाजपा उन चुनावों में अपनी सरकार नहीं बना पाई। और फिर हाल ही में कुछ केराना जैसे कुछ उपचुनावों में भी भाजपा को हार मिली, तो इस बात से चिंतित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और टॉप लीडरशिप में एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि देश भर के सभी इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली नेता और प्रभावशाली हस्तियों से मिलकर अमित शाह जी पूरे देश में एक संपर्क फॉर समर्थन यानी कि समर्थन पाने के लिए एक संपर्क उनसे क्रिएट करेंगे, जिसके तहत वो कल ही शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी से भी मिले, अब वो माधुरी दीक्षित जी से मिले। दरअसल माधुरी दीक्षित को एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, और उनकी समाज में छवि बहुत ही पॉजिटिव है। आजकल की अभिनेत्रियों जैसी उनकी छवि नहीं है, तो और माधुरी दीक्षित के बारे में भी लोग ये भी जानते हैं, वो बहुत सारे पॉजिटिव कॉजेज से जुड़ी रही हैं और हमेशा बहुत अच्छी बातें करती हैं सोशल मीडिया समेत, टेलीविज़न पर बहुत अच्छी बातें करती हैं, हमेशा अच्छे कामों में हमेशा लगी रहती हैं। काफ़ी सारी एनजीओ से भी माधुरी दीक्षित जी कनेक्टेड हैं। तो अमित शाह जी ने क्या फैसला लिया कि वो माधुरी दीक्षित जी से मिलेंगे और उन्हें भाजपा का प्रचार करने के लिए, भाजपा के लिए समर्थन पाने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, ताकि समाज में एक अच्छी छवि जाए। और ऐसी अच्छी छवि वाले लोग अगर भाजपा का प्रचार करेंगे आने वाले 2019 चुनाव में, तो भाजपा की जीत 2019 में 100% निश्चित है। और माधुरी दीक्षित के बारे में आपको बता देता हूं कि देश विदेश समेत माधुरी दीक्षित के लाखों नहीं, कई करोड़ फैंस हैं। ऐसा हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं जहां पर माधुरी दीक्षित के फैंस ना हों। तो ऐसे में माधुरी दीक्षित के फैंस के द्वारा बीजेपी की जो वोट पाने की जो ये स्ट्रैटेजी है, जो नीति है, ये बहुत ही अच्छी है। कम से कम कांग्रेस की तरह मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति तो नहीं है, अच्छे लोगों से जुड़ रहे हैं और अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है अमित शाह द्वारा। तो कल शाम को भाजपा अध्यक्ष शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मिले। विपक्षी एकता के बुलंद हो रहे नारों के बीच भाजपा से अमित शाह की यह मुलाकात एनडीए के लिए बहुत ही अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस अभियान के तहत अमित शाह राजग के चटक रहे स्तंभों को मजबूत करने में जुट गए हैं और बागी शिवसेना के सामने भी भाजपा अध्यक्ष अपनी ओर से पहल करते हुए दोस्ती एक बार फिर से मजबूत करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। इसके पीछे दिमाग और किसी का नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और गौर करने की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार में भाजपा शिवसेना साथ साथ है, लेकिन दोनों की तरफ से इस प्रकार की घोषणा करी जा चुकी है कि अगला लोकसभा चुनाव वह अलग लड़ेगी। हाल में पालघर संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला भी भाजपा और शिवसेना के बीच ही हुआ था। तो ऐसे में क्या है कि भाजपा के भी जो कोर वोटर है वो हिंदुत्ववादी है, शिवसेना का भी जो कोर वोटर है वो हिंदुत्ववादी है। ऐसे में वोट बटना अमित शाह जी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते और इस बात की नीड यानी कि इस बात की ज़रूरत समझते हुए वो खुद शिवसेना से मिलने की पहल उठा रहे हैं। ऐसे में ये मुलाकात काफ़ी खास और दिलचस्प रहेगी। राजग को और मजबूत करने के क्रम में अमित शाह गुरुवार को उनकी पंजाब के पुराने सहयोगी अकाली दल नेतृत्व के साथ भी मुलाकात हुई। बहुत ही जल्द वो जदयू अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे, ताकि अपना जनाधार देश के अलग अलग राज्यों में बेहद मजबूत किया जा सके। अब अमित शाह इस मिशन संपर्क फॉर समर्थन के तहत भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी और योग गुरु बाबा रामदेव से दिल्ली में मुलाकात भी करी थी। बता दें कि इस अभियान की शुरुआत में सबसे पहले पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग और संविधान विशेषज्ञ और भूतपूर्व लोकसभा सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सुभाष कश्यप और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव से भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि जो जनरल दलवीर सिंह सुहाग हैं, ये भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जो म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक में दलवीर सिंह सुहाग जी के नेतृत्व में हुई थी और भारत ने इसमें बहुत ज़बरदस्त सफलता पाई थी और उत्तर पूर्व में विशेषकर नागालैंड के आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने में बहुत बड़ा कदम साबित हुई थी और पूरे देश भर में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी जनरल दलवीर सिंह सुहाग जी के इस कदम की बेहद प्रशंसा हुई थी। दूसरे जिनसे ये मिले हैं उनका नाम है पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सुभाष कश्यप। डॉक्टर सुभाष कश्यप एक जाना माना नाम है और भारतीय संविधान के बहुत ही एलीट विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं और भारत में कोई भी नया कानून यदि बनता है तो इस विषय में उनकी राय जरूर ली जाती है। तो ऐसे में आने वाले समय में सरकार बनाने में डॉक्टर सुभाष कश्यप जी का भी जो समर्थन रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ ही साथ जो पूर्व क्रिकेटर
खिलाड़ी कपिल देव से भी मिले हैं। तो कपिल देव जी का भी बहुत अच्छा जनाधार है, समाज में बहुत अच्छी छवि है। तो ऐसी अच्छी छवि वाले लोगों से भाजपा अब संपर्क बना रही है, जहाँ की दूसरी तरफ कांग्रेस ही तो कहीं किसी मौलाना से मिल रहे हैं, तो कहीं किसी जिहादी नेता से मिल रहे हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। तो उस तरीके की वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस खेल रही है और इस तरीके की राजनीति भाजपा कर रही है। तो दोनों की राजनीतियों की जो कदम है, जो राह है, दोनों में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। ये आपको सीधे सीधे देख रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि आप अमित शाह जी के इस कदम का समर्थन करते हैं या नहीं। यदि समर्थन करते हैं तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें, और चाहें तो जय हिंद भी लिख दें दोस्तों। और एक और बात, ये जो लाल कलर का नीचे का जो सब्सक्राइब का बटन है, इसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये सब्सक्राइब बटन भाजपा का समर्थन है। 2019 का जो चुनाव है उसमें भाजपा में समर्थन लाने के लिए ये बटन अगर आप दबाएंगे तो आप देशभक्ति की इस मुहिम से जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं आप भाजपा को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और देश को पहुंचाएंगे फ़ायदा साथ ही साथ, सबसे बड़ी बात ये है। तो और एक बेल आइकन का जो निशान है, यानी कि घंटी, उस घंटी के निशान को जरूर दबाएं। यदि आप उस निशान को दबाएंगे तो आप इस मुहिम में हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, हर ताज़ा खबर आप तक पहुंचेगी और हम कांग्रेसी गद्दारों को देश से ज़्यादा एक्सपोज कर सकेंगे, उन्हें बेनकाब कर सकेंगे। तो इस अभियान का मकसद जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनोपयोगी कार्यों के प्रति देश में जागरूकता पैदा करना और जनता का समर्थन हासिल करना है। तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कि पिछले 4 साल में भाजपा सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, नरेंद्र मोदी जी की क्या उपलब्धियां हैं, ये उपलब्धियां देश की जानी मानी हस्तियों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि ये उपलब्धियां इन हस्तियों के माध्यम तक देश के अलग अलग वर्गों तक पहुँच सकें। तो मैं नहीं समझता आज की डेट में इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है देश तक अपनी बात पहुँचाने का। तो 26 मई को मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर भाजपा ने मेगा प्रचार अभियान समर्थन के लिए संपर्क शुरू किया था। इसके तहत पार्टी के 4000 से अधिक नेता 1 लाख से भी ज़्यादा अलग अलग बड़ी बड़ी हस्तियों से संपर्क करेंगे। वह इस अभियान के तहत देश की प्रख्यात हस्तियों को पार्टी और सरकार के कामकाज से अवगत कराएंगे। इतना ही नहीं, इस अभियान में हर पार्टी कार्यकर्ता को कम से कम 10 लोगों से संपर्क करना है। और ये बात आज आप जानते हैं कि भाजपा के आज देश भर में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। ये तो मैं बहुत ही मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो ये कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों और कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। इस पहल में कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए नमो ऐप पर संपर्क और समर्थन नाम से एक विशेष आइकॉन भी उपलब्ध कराया है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व सेना अधिकारी, पूर्व संविधान विशेषज्ञ, विद्वान और अन्य क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों को शामिल किया गया है। नेता खुद लोगों के घर जाएंगे और पार्टी तथा सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराएंगे। संपर्क फॉर समर्थन के तहत अमित शाह का कार्यक्रम लता मंगेशकर से मिलने का था, लेकिन अस्वस्थ होने के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो फिर भी अमित शाह जी उनको कुछ ना कुछ एक ईमेल लिखेंगे, खत लिखेंगे, जिसके तहत लता मंगेशकर उस खत को पढ़कर लोगों तक मोदी जी की नीतियाँ और मोदी जी के विकास कार्यों के बारे में बताएंगी। तो इस संबंध में प्रसिद्ध गायिका ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसकी वजह से वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से उनकी भेंट नहीं हो सकी। पर आप ये देख ही रहे हैं कि देश की बड़ी बड़ी पॉजिटिव हस्तियां जो हैं आज भाजपा के साथ जुड़ रही हैं। वीरेंद्र सहवाग जी भी कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन करते हैं, फेमस फैशन डिज़ाइनर रितु बेरी भी भाजपा का समर्थन करती हैं। तो समाज के आप चाहें तो निम्न वर्ग की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें या उच्च वर्ग की बात करें, सभी वर्गों के लोग आज आकर भाजपा से जुड़ रहे हैं। और जिस प्रकार की कट्टरवादी विचारधारा जो कि भाजपा और संघियों पर थोप दी गई थी, आज उससे बाहर बढ़कर भाजपा एक वैश्विक विचारधारा का निर्माण कर रही है, जिससे पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों अगर आप भाजपा के इस कदम का समर्थन करते हैं तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें, और यदि आप देश के गद्दार हैं तो आप ना भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत माता।